हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीएल क्लासेस सिरोही। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, समाकलन के अनुप्रयोग। कल आपको जो वीडियो मिला है, बहुत ही बेसिक सा वीडियो। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। बहुत अच्छे ढंग से आपका बेसिक उसमें मैंने आपको क्लियर किया है, तो आपको अच्छे ढंग से समझ आना चाहिए कि समाकलन के अनुप्रयोग के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। तो देखिएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और बोर्ड में इस टॉपिक में से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर दो डायग्राम आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, दो केस, और इन दो केस को किस तरीके से हैंडल करना है, केस नंबर फर्स्ट और दूसरा आपका केस नंबर सेकेंड, और इन्हीं दो केस के ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करना है आपको इन दोनों चैप्टर से डील, ठीक है। इधर देखना, दोनों टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से देखिएगा, अगर आपको दो वक्र दे रखे हैं और दो वक्र के बीच का एरिया फाइंड करना है, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट में बताऊंगा आपको। आपके पास में दो वक्र है, सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स वक्र और दूसरा वक्र y इक्वल टू जी एक्स वक्र। आपके पास वक्र कुछ भी हो सकता है, परवलय हो सकता है, वृत्त हो सकता है, कोई लाइन हो सकती है, वो जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल। लेकिन अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अभी हम दो वक्र कोई भी ले रहे हैं, y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स, उस कंडीशन में आपको ध्यान नहीं रखना है। इन दोनों के बीच का एरिया मतलब एक आंख का एरिया फाइंड करना है। ये जो आपको आंख दिख रही है, इस आंख का एरिया अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, उस चीज को ध्यान देंगे। इधर देखना, यहां से सबसे पहले ये आपके पास में जो दोनों वक्र दे रखे हैं उनके बीच का एरिया फाइंड करने के लिए आपने देखो एक स्ट्रिप कंसीडर की है, लेकिन स्ट्रिप इतनी नहीं रहेगी। मैं सपोज इस वक्र से ये स्ट्रिप को मैं एक्स एक्सिस के ऊपर टच करते हुए ले जा रहा हूं। मतलब इस कहने का मतलब सर ये है कि ये स्ट्रिप जो पूरी आपको लंबी स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या मतलब शो कर रही है कि ये पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है इस स्ट्रिप के साथ में। मतलब अगर इसी का वाई डॉट डी एक्स लिख देंगे, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये आपको पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। लेकिन सर हमको तो ये पूरा एरिया चाहिए ही नहीं, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, उस चीज को ध्यान देंगे। यहां पर आपके पास में जब भी आपको दो आंख के बीच का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस कैसे करना है, उस चीज को मैं क्लियर करूंगा। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर रेखा में से परवलय को माइनस करना है या परवलय माइनस रेखा करना। कई स्टूडेंट तो रट भी देते हैं क्वेश्चन के साथ में, तो ऐसा नहीं करना। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला, इधर देखना, ये आपको यहां से मैंने इस वक्र को टच करता हुआ एक स्ट्रिप कंसीडर किया एक्स एक्सिस को। ये स्ट्रिप जो है वो पूरा एरिया मतलब इस बड़े एरिया को डिनोट कर रहा है, क्लियर। तो अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहूं तो मैं सर क्या लिख सकता हूं, वाई डॉट डी एक्स। मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं एफ एक्स का वाई डी एक्स, क्लियर हो गई बात है। एफ एक्स का वाई डी एक्स जो होगा इस पूरे एरिया को बताएगा, लेकिन अपन को तो सिर्फ कौन सा एरिया चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये एरिया चाहिए। यानी कि आपको ये वाला जो पट्टी मैंने बनाई है, इस पट्टी को आपको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए हम मैथमेटिक्स में किसका यूज लेते हैं, माइनस का। तो देखिए माइनस साइन कैसे लगेगा, यहां पर हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिप एक और कंसीडर की, ये स्ट्रिप किससे टच है, पहले वाली स्ट्रिप एफ एक्स से टच थी, इसीलिए लिखा मैंने एफ एक्स का वाई डी एक्स। और डी एक्स ही क्यों लिखा, क्योंकि आपने वर्टिकल स्ट्रिप ली है। आपको मैंने कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया, उस वीडियो को आप बिल्कुल देखें। तो वर्टिकल स्ट्रिप मैंने कंसीडर की है आपका डी एक्स अल्पांश वाली। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसी एफ एक्स का वाई डी एक्स में से क्या माइनस कर रहा हूं, तो ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका। माइनस हम करेंगे यहां पर, ये वाली जो पट्टी है वो पट्टी टच कर रही है जी एक्स को, तो यहां पर हम किसका वाई डी एक्स लिखेंगे, जी एक्स का वाई डी एक्स। तो मैथमेटिक्स में माइनस का मतलब होता है इस पूरे बड़े एरिया में से ये वाला एरिया को माइनस करना, मतलब हटा देना। तो देखिए जैसे ही मैं इस बड़ी वाली पट्टी में से ये वाला एरिया हटा रहा हूं, तो हटाते हुए आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल आपके सामने है। और ये डायग्राम जो है सिर्फ और सिर्फ ये जो पट्टी है वो सिर्फ और सिर्फ इस आंख तक सीमित रह गई है। मतलब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये चीज है कि सर ये जो पट्टी है वो यहां से मूव करती 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 इस पॉइंट तक लास्ट जाने वाली। तो अगर यहां पर मैं लिखना चाहूं तो मैंने सबसे पहले किया था लॉन्ग स्ट्रिप से एफ एक्स का वाई डी एक्स, लॉन्ग एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए था, तो इसमें से जी एक्स का वाई डी एक्स हटा दिया, तो बेसिकली आग कौन सा गया, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपके बीच वाला एरिया जो है वो आपका फाइंड हो गया। तो देखिए इसको और अच्छे ढंग से मैं लिखना चाहूँ तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस
एफ एक्स माइनस जी एक्स और साथ में यहां लिख सकता है डॉट डी एक्स, और भी इसको अच्छे ढंग से लिमिट लगाकर भी लिख सकता है कि सर ये स्ट्रिप कहां से कहां तक मूव कर रही है। तो मैं एक्स एक्सिस पे सपोज पॉइंट लो कि सपोज एक्स इक्वल टू ए है और ये सपोज एक्स इक्वल टू बी है, मतलब ये स्ट्रिप ए से बी तक मूव करेगी, तो लिमिट हो गई सर ए से बी तक ये मूव करेगी, तो ए से बी तक मैंने इसका लिमिट लगा दिया। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस, इस पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं, एक और इस केस इस आपकी जो स्थिति दे रखी है इस पर भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल और बिल्कुल आपके एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहां वाले कंडीशन में आपको दो एरियाज दिखाई दे रहे हैं, और दो एरियाज जब भी दिखाई देते हैं मतलब इस लाइन से ये दो कर्व जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये लाइन से दो कर्व क्या हो रहे हैं, सेपरेट मतलब अलग अलग हो रहे हैं, मतलब पहला कर्व आ रहा है y इक्वल टू एफ एक्स का, दूसरा कर्व आ रहा है वाई इक्वल टू जी एक्स का। मतलब यहां से हम एरिया लिखना चाहेंगे इस पूरे भाग का, अगर क्षेत्रफल लिखना है तो इसका क्षेत्रफल दो पार्ट में लिखा जाएगा। पहला पार्ट आपका हो जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा किसका dx, तो एफ एक्स का वाई डी एक्स, तो मैं लिख रहा हूं एफ एक्स का वाई डी एक्स, मतलब डायरेक्टली लिख लो आप एफ एक्स डी एक्स, क्लियर हो गई बात। अगर आप यहां पे देखो परवले होता तो परवले का वाई डी एक्स, व्रत होता तो व्रत का वाई डी एक्स, वैसे लिखना है तो सेम वैसे ही लिखा है मैंने एफ एक्स डी एक्स माइनस, यहां से माइनस नहीं करेंगे आपको तो ये एरिया, माइनस कब करते हैं जब आप ये जब आपको ये पट्टी हटानी होती है, यहां पर पट्टी नहीं हटानी आपको, तो इस एरिया के साथ में एरिया कंबाइन करना है, कंबाइन करोगे तभी तो आपको टोटल एरिया मिलेगा। तो यहां करना है आपको बिल्कुल प्लस, और किसका वाई डी एक्स देंगे तो ये एरिया इस कर्व से है तो ये एरिया हो जाएगा जी एक्स डॉट डी एक्स। अब देखिए इस पे लिमिट लगाएंगे सर, इसकी लिमिट कहां से कहां तक, तो जाएगी सर ए टू सी, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक, तो लिमिट जाएगी सी टू बी। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे ढंग से दोनों ही केस आपको ढंग से क्लियर है तो हम तीन चार क्वेश्चंस देखेंगे इसी वीडियो के अंदर, और आपका उसी से आपका बहुत ही अच्छे ढंग से कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। ओके तो उन्हीं दो केस के हम ऊपर एग्जाम्पल्स कुछ देखने वाले हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बहुत अच्छे ढंग से देखिए, कुछ तीन चार क्वेश्चन कराऊंगा डिफरेंट, तो आपको पूरा अच्छे ढंग से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट, एक क्वेश्चंस देख रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, रेखा वाई बराबर एक्स द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक परवलय, और परवलय बनाना है तो आप बिल्कुल जानते हैं वाई के ऊपर पावर टू है, मतलब कौन सा एक्सिस हो जाएगा एक्स अक्ष के प्रति सममित, मतलब एक्स अक्ष एक मिरर का काम करेगा, और एक्स अक्ष जब मिरर का काम करेगा तो परवलय कुछ इस तरीके से आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, क्लियर। सेम यहां से आपको एक लाइन दे रखी है वाई बराबर एक्स, आप वाई बराबर एक्स को प्लॉट भी कर सकते हैं, ये मूल बिंदु से जाएगी और मूल बिंदु से जाएगी और पॉजिटिव स्लोप के साथ जाएगी। इस चीज का देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट आपको क्लियर है ना कि लाइन कैसे बनेगी, लाइन कैसे नहीं बनेगी। सपोज ऐसा लाइन आ जाता है x प्लस वाई इक्वल टू वन, तो ये अंतःखंड रूप मतलब एक तो पॉइंट कटेगा 1,0 और दूसरा पॉइंट कटेगा 0,1, क्लियर। तो ऐसे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे कि ग्राफ आपको लाइन के प्लॉट करने आ गए तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल होना। तो यहां से देखिएगा रेखा वाई बराबर एक्स द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब रेखा वाई बराबर एक्स ड्रॉ करनी है तो बिल्कुल हम एक रेखा वाई बराबर एक्स नोट कर रहे हैं, क्लियर हो गई बात। तो ये देखो रेखा y बराबर x, अब आपको कहा है प्रथम चतुर्थांश, तो देखिए पहला चतुर्थांश ही और उसमें गिरा क्षेत्रफल यही दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आपको ये बिल्कुल और बिल्कुल ये क्षेत्रफल आपको मैं नोट करा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा कैसे करना है, जब भी आपको समाकलन के अनुप्रयोग से क्वेश्चन आते हैं अगर आपका डायग्राम बन गया तो आपका आधा काम वहीं पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो पिछला वाला देखिए, बेसिक्स उसमें आपके अच्छे ढंग से क्लियर होंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे हमने एक डायग्राम बना दिया, आप जैसे ही डायग्राम बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी दो वक्र वाले क्वेश्चन आते हैं उनके बीच का एरिया फाइंड करना होता है, उस केस में आपको करना यह है कि जहां पर वे पॉइंट्स कटते हैं वो पॉइंट्स आपको निकालने, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट जब फाइंड होंगे, प्रतिच्छेद बिंदु जब आपका ज्ञात होगा तभी आपका ये एरिया निकलना है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखिए, दोनों वक्र कट रहे हैं तो एक पॉइंट हो गया 0,0 और दूसरा पॉइंट आपको फाइंड करना है ये वाला, और ये पॉइंट कैसे फाइंड होगा तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज,
y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक इक्वेशन ये दे रखी है और दूसरा इक्वेशन आपको गिवन है y इक्वल टू x। आपको कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब किसी एक वेरिएबल में लाके x की वैल्यू निकालनी और उसी से आपको किसकी वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से देखेंगे दोनों इक्वेशन को एक वेरिएबल मतलब x में लेके आ जाते हैं। तो सपोज y की जगह x रखेंगे तो x का हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहां से x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, यहां से आपका x आ जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4a इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू आई 0 और एक वैल्यू आ गई 4a। क्लियर। नेक्स्ट y की वैल्यू देखिए, y इक्वल टू 0 रखा क्योंकि x की जगह अपन 0 रखेंगे यहां पे, तो y भी 0 आना है। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने चाहिए पॉइंट्स। और अगर y x की वैल्यू 4a रखी तो y की वैल्यू प्लस माइनस 4a बिल्कुल आने वाली, लेकिन हमको सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में चाहिए, तो y बराबर हो गया 4a। तो पॉइंट्स हमारे पास में हो गए, प्रतिच्छेद जो बिंदु हो गए वो हमारे पास में हो गए, एक तो हो गया 0,0 O पॉइंट और 1,1 पॉइंट दे देते हैं A। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, कुछ भी दे सकते हैं, P दे सकते हैं। क्लियर। यहां से हो गया 4A,4A। तो यहां तक आपको ये क्लियर है, तो ये वाला पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा वो है आपका 4A,4A, और x एक्सिस पर अगर वो पॉइंट होगा तो हम उसको लिखेंगे 4A,0, क्योंकि x एक्सिस पे y जो होता है वो 0 होता है। अब देखिएगा कैसे करना है। मैंने पहले बता रखा है कि जब भी दो वक्र आते हैं तो आपको पट्टी कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करनी है। तो देखो जैसे ये पट्टी सेलेक्ट करेंगे तो इससे होने वाला क्या है सर, कि ये पूरा एरिया फाइंड हो जाएगा, लेकिन हमको पूरा एरिया तो चाहिए नहीं, मेरे को तो सिर्फ ये आंख चाहिए, इतना एरिया चाहिए, इतना बीच का एरिया चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए इसको लिखना कैसे, तो यहां से हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल या मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल, वो लिख लेना आप। और यहां से मैं लिखूंगा ये पट्टी, बड़ी पट्टी किससे टच हो रही है, सबसे पहले परवलय से, तो मैं लिखूंगा सर परवलय का ydx माइनस, सिमिलर फॉर्म में आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपको ये पूरी बड़ी पट्टी है, इस बड़ी पट्टी में से इस पट्टी को हटाना है। तो देखिए ये पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है, जिसको आपको हटाना है, उसका ऊपरी पार्ट किससे है, इस रेखा से टच हो रहा है। तो रेखा से टच होने का मतलब यहाँ पर मैं किसका वाई डी एक्स लिखूंगा, रेखा का वाई डी एक्स। तो देखो माइनस करने का मतलब है कि डायग्राम से इस पट्टी को हटा देना। तो जैसे इस बड़ी पट्टी में से ये छोटी पट्टी को माइनस कर दिया, जैसे ही परवलय में से रेखा को माइनस किया ना, तो ये बीच का एरिया आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात सर बताऊंगा कि ये इसका लिमिट कहां से कहां तक होगा। तो बिल्कुल ये सर परवलय जो है वो 0 से 4a चल रहा है, तो 0 से 4a चलेगा। सर रेखा भी देखिए 0 से 4a चल रहा है, तो 0 से 4a। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात सर, ydx दिया है तो वर्टिकल पट्टी, ydx दिया है तो सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स भी किसकी होगी, x की। तो देखो x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 4a तक, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और देखिए परवलय का ydx देखिए, परवलय का y की वैल्यू कितनी है, तो परवलय का अगर y निकालूंगा तो हो जाएगा 2√ax, तो यहां से आ जाएगा 2√ax dx माइनस ऑफ 0 to 4a, रेखा का वाई डी एक्स, तो रेखा का वाई डी एक्स हो जाएगा x.dx। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आगे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इसके आगे मैं नहीं कर रहा हूं, हमारे पास में टाइम थोड़ा सा कम है। सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व करके लास्ट में आप लिख देंगे वर्ग इकाई, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं देखिए क्वेश्चन वही लेने वाला हूं, आपको सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। डायग्राम से ये टर्म क्षेत्रफल वाला यही इंपॉर्टेंट होता है लिखना, ये अगर आपने अच्छे ढंग से लिख दिया ना तो आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन तो वैसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम उसी के बेस के ऊपर। तो देखिएगा आप, दो परवलय आपको गिवन है और उनके बीच का एरिया ज्ञात करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ढंग से ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परवलय, दो परवलों के बीच का एरिया कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमारा काम, देखो मैं एक ही पैटर्न से आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, कहीं भी मेथड चेंज नहीं होगा, एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर डायग्राम का अच्छा नॉलेज है तो देखिए, सबसे पहले y स्क्वायर बराबर 4x, y के ऊपर पावर 2, इवन पावर मतलब कहां पर सममित होगा, x अक्ष के प्रति सममित होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो x अक्ष के प्रति सममित मतलब x एक्सिस मिरर का काम कर रहा है दोनों तरफ, सेम पार्ट। क्लियर, नेक्स्ट
एक्स स्क्वायर बराबर 4y, x के ऊपर इवन पावर 2 पावर, मतलब ये कौन से एक्सिस के प्रति सममित होगा, y एक्सिस के प्रति सममित होगा, मतलब y एक्सिस के प्रति सिमेट्रिकल होगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपका डायग्राम बन गया, तो डायग्राम बनने के बाद में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप उस डायग्राम का नाम बिल्कुल लिखेंगे, सर ये वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो सर ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4y है। इस चीज़ को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे ही डायग्राम बने, डायग्राम बनने के बाद मैंने आपको पहला पॉइंट यही कहा है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, क्योंकि देखिए दो वक्र आएंगे तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को कट करेंगे, और कट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकलेंगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट्स एक तो हो गया 0,0, और दूसरा पॉइंट वेट कर रहा है, सपोज इसको नाम दे देते हैं पी, और ये पी भाई साहब वेट कर रहे हैं कि पॉइंट फाइंड करो, और पॉइंट फाइंड जब तक नहीं होंगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखिएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, y स्क्वायर बराबर हो गया 4x इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा इक्वेशन आपके पास में है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो यहां से आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि सर हमारे पास में दो इक्वेशन आ गए, और दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल सा मैथ्स यहाँ पे लगाना है, y का वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर, या x का वैल्यू रख दीजिए। तो देखो यहाँ से y का वैल्यू निकल रहा है सर x स्क्वायर अपॉन 4, एक वेरिएबल में लाना है, चाहे x में लाए चाहे y में, तो y की वैल्यू यहाँ रखो। तो जैसे ही रखी तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब देखिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गई पावर x की पावर 4 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल टू 4x। क्लियर हो गई बात। यहाँ से देखिए नेक्स्ट, x की पावर 4 इक्वल टू 64x। अब आगे देखिएगा, ये इसको इस तरफ लाया, एक्स फोर माइनस 64x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई, x कॉमन लिया तो एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ से, एक तो x की वैल्यू सर क्या आएगी, तो एक तो x की वैल्यू हो गई 0, और एक x की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि ये देखो x क्यूब बराबर 64 है, तो भाई 4 का क्यूब भी तो 64 होता है, तो x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 4। तो जैसे ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी x पर, और x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 4 मिलेगी। क्लियर। तो यहां से देखेंगे हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने x और y के पॉइंट्स फाइंड कर दिए तो हमारे पास में प्रतिच्छेद बिंदु जो आए, प्रतिच्छेद बिंदु जो हमारे पास में आए वो आएंगे 0,0, और दूसरा पॉइंट आएगा 4,4। तो बिल्कुल आपका यह p पॉइंट जो वेट कर रहा था 4,4 दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हो गई बात। सिमिलर x एक्सिस पे पॉइंट भी दर्शाता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो 4,0 होने वाला है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हमको ये बीच का एरिया, आंख का एरिया फाइंड करना है। तो आंख का एरिया फाइंड करने से पहले आपको पट्टी को, पूरी बड़ी पट्टी को लेना पड़ेगा, और बड़ी पट्टी का एरिया लिखने के लिए मैं सिर्फ एरिया लिखूंगा, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, यहां से हम सबसे पहले ऊपर वाले परवलय का वाई डी एक्स, मतलब इसको 1 नंबर नाम देते हैं, इसको 2 नंबर इक्वेशन में वैसे दे रखा है, तो यहां लिखेंगे हम सर परवलय 1 का वाई डी एक्स, क्योंकि देखिए परवलय 1 की बड़ी पट्टी टच हो रही है, पूरा एरिया, मतलब ये पूरा एरिया जो दिख रहा है ना इस लाइन को कवर करता हुआ, वो एरिया होगा, लेकिन ये एरिया तो चाहिए नहीं। तो कौन सा एरिया हटाना है, जो ये नीचे वाला एरिया है ना, ये वाला, ये जो छोटी पट्टी, ये हटानी है। तो हटाने के लिए मैथ्स में माइनस निशान और माइनस निशान के साथ में आप परवलय 2 को माइनस कर देंगे। सर परवलय 2 को माइनस क्यों किया, क्योंकि परवलय 2 जो है इस छोटी पट्टी से टच हो रहा है जिसको आप हटा रहे हैं। तो जैसे ही बड़ी पट्टी में से छोटी पट्टी को माइनस कर दिया, तो यहां से आपके पास में रिक्वायर्ड पट्टी आ गई, मतलब अभीष्ट क्षेत्रफल, मध्यवर्ती क्षेत्रफल आ जाएगा। तो परवलय 1 का वाई डी एक्स, तो परवलय 1 से वाई डी एक्स निकालो, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 2√x। यहां लिखेंगे हम 2√x.dx माइनस परवलय 2 का वाई डी एक्स, तो परवलय 2 का वाई डी एक्स हम लिखेंगे, तो परवलय 2 का वाई डी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.dx। सर कहां से कहां तक लिमिट, तो dx लिखा है, वर्टिकल पट्टी ली है, मतलब x के ही मान, मतलब 0 से लेकर 4 तक ये पट्टी मूव कर रही है, 0 से लेकर 4 तक ये पट्टी मूव कर रही है, तो लिमिट लगेगी 0 से 4 फर्स्ट परवलय के लिए भी, और सेकंड परवलय के लिए भी 0 से 4। तो ये लिमिट लगाना ना भूले, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ देखिए कि बड़ी पट्टी में से छोटी पट्टी को हटाओगे तो रिक्वायर्ड पट्टी आ जाएगी, और छोटी पट्टी को हटाने के लिए कौन सा साइन भाई, माइनस साइन। क्लियर, नोट कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहां पर हम इस क्वेश्चन को देखने वाले समाकलन का अनुप्रयोग। एक और क्वेश्चन फिर से, वक्र y बराबर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर रूट थ्री वाई, एक्स अक्ष के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले पहचानना है कि यह वक्र कौन सा है। तो यहां देखे लिखा y इक्वल टू रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। सर अगर इस रूट को हटाया जाए तो बहुत ही आसानी से हम वक्र को पहचान लेंगे। रूट हटाएगा तो इधर आएगा स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को इधर भेजा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, तो आपका एक इक्वेशन आ गया और ये बिल्कुल इक्वेशन पहचानते ही समझ आ रहा है कि सर ये सर्कल है जिसका सेंटर केंद्र 0,0 और दूसरा उसका रेडियस जो है वो 2 है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ आ रहा है कि एक सर्कल बन रहा है और ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक्स की पावर भी 1, वाई की पावर भी 1, 100% आपका एक रेखा मतलब एक लाइन का काम कर रहा है। ठीक है, और स्लोप उसका पॉजिटिव है, वाई इक्वल टू एक्स बाय रूट थ्री लिखेंगे तो ढाल उसका पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साइड में बनना है। तो देखो डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहला काम हमारा डायग्राम बनाना ही है। तो देखिए सर्कल बनाएंगे आज, तो देखिए सर्कल कैसे बनाना है आपको, ये सेंटर 0,0 लेते हुए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और ये सर्कल हमने बिल्कुल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग का रहेगा था उस चीज को नहीं लेना, लेकिन सिर्फ आप ये समझे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया और सर्कल ड्रॉ करने के बाद में ये पता लगा कि सर 0,0 जो है इसका सेंटर है और दूसरी बात सर हमको पता लगी कि इसकी त्रिज्या 2,0, तो ये 2,0 तो ये हो जाएगा 0,2, तो ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। अब देखिए पॉजिटिव स्लोप बनाती हुई एक लाइन हमको बनानी है, तो पॉजिटिव स्लोप से यही लाइन आएगी, एक्स की जगह 0 रखा तो वाई 0, वाई की जगह 0 तो एक्स 0, मतलब 100% लाइन जो है वो ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से पास होगी और पॉजिटिव स्लोप बनाएगी। थीटा आपका जो भी होगा वो आपका बिल्कुल यहाँ से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है कि धनात्मक कोण बनाने वाली है। अब देखिएगा जैसे ही आपकी रेखा बन गई उसको नाम दे देते हैं एक्स इक्वल टू रूट थ्री वाई। देखो डायग्राम बनने के बाद आपका काम ये होता है कि ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है मतलब कहाँ भी ये क्वेश्चन एक्स अक्ष के मध्य, तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका सर्कल का थोड़ा सा पार्ट और ये रहा आपकी रेखा, तो ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो सर ये एरिया फाइंड करने के लिए ये पॉइंट हमारे पास में है, ये भी पॉइंट हमारे पास में, इसको नाम दे देते ए, और सर ये पॉइंट हमारे पास में मौजूद नहीं है और इसी पॉइंट का वैल्यू हमको निकालना है। तो इस पॉइंट पहले अगर निकाल लोगे इसी को तो बोलते हैं आप प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड होगा, मैंने आपको बताया है कि दो इक्वेशन को आप मर्ज कर दोगे इजीली आ जाएगा। तो यहां से देखो y इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ना x अपॉन रूट थ्री, इक्वेशन नंबर हो गई 2। दोनों इक्वेशन को मर्ज करो, एक वेरिएबल में लाओ, तो देखिएगा यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां देखो y की वैल्यू रख दो तो y की वैल्यू हो जाएगी x बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से कितना हो गया x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 3 चला जाएगा मल्टीप्लाई में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए कितना आ गया एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 12 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर। अब देखिए माइनस वाला जो टर्म है उसको इस तरफ सेंड किया, इस तरफ भेजा तो आ गया आपका 4x स्क्वायर इक्वल टू 12, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, देन x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 3, लेकिन अपन को तो ये वाला पार्ट चाहिए, तो देखिएगा x की वैल्यू हम ले रहे हैं रूट 3। तो जैसे ही आप x की वैल्यू एक तो आ गई रूट 3, दूसरी वैल्यू आएगी 0, तो जो कि 0 तो है ही, ये वाला पॉइंट तो आपके पास में है ही, तो जैसे ही आपकी वैल्यू x की वैल्यू रूट 3 तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू रखो तो आपको मिल गए बिल्कुल प्रतिच्छेद बिंदु और वो प्रतिच्छेद बिंदु मिला है रूट थ्री कॉमा रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री हो गया 1। तो देखिएगा यहाँ से प्रतिच्छेद बिंदु P को मैं लिख रहा हूँ सर हो गया रूट थ्री कॉमा 1, क्लियर। अब देखिएगा ये जो पार्ट है वो कैसे सॉल्व होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो के अंदर केस नंबर सेकेंड पढ़ाया है, ये जो एरिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और उस दो पार्ट को डिवाइड एक रेखा कर रही है और वो रेखा कौन सी है, तो ये देखिए x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू x बराबर रूट थ्री जो है वो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहां पर कितना एरियाज लेंगे हम, दो एरिया, माइनस नहीं करना है सर, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि ये पूरा एरिया फाइंड करना है, तो दो एरिया को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा संपूर्ण एरिया मिल जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, यहां से सबसे पहले हमको एक पट्टी
सेलेक्ट करनी है तो देखो पट्टी बिल्कुल सेलेक्ट कर दी, और एक पट्टी यहां भी सेलेक्ट करनी है तो यहां भी हमने बिल्कुल सेलेक्ट कर दिया है। क्लियर? केस नंबर सेकंड आप अच्छे से समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, देखिए ये पहली पट्टी जो है वो रेखा को टच करी, तो यहां लिखूंगा मैं सर रेखा का वाई डी एक्स प्लस निशान, इसलिए क्योंकि आपको एरिया को एड करना है। नेक्स्ट, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है तो ये सर्कल जो है वो सर्कल मतलब है, उस सर्कल के लिए आप क्या लिखेंगे, वृत्त का वाई डी एक्स, क्योंकि ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रही है जहां पर मैंने स्ट्रिप बनाया और वो स्ट्रिप जो है वो सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, तो वृत्त का वाई डी एक्स लिखेंगे। अब देखिएगा यहां से क्या लिखेंगे, लिमिट्स लगानी है, तो लिमिट का मतलब ये 0,0, ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट सर है √3,0, एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0। तो यहां पर देखे पहला रेखा का वाई डी एक्स, रेखा का वाई डी एक्स का मतलब कहां से कहां तक, 0 से जाएगा, रेखा खत्म हो रही है √3 पर, मतलब एरिया हो गया सर 0 से √3 तक पट्टी मूव हो रही है। सर्कल में गए तो सर्कल वाली पट्टी कहां, तो ये सर्कल पॉइंट √3 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे जाके खत्म हो रहा है, तो यहां से ये एरिया बन जाएगा √3 से 2 वृत्त का वाई डी एक्स। दोनों का वाई डी एक्स आप लिख लीजिए तो रेखा का वाई डी एक्स हो जाएगा 0 से 3, रेखा का वाई डी एक्स हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय √3.dx प्लस वृत्त का वाई डी एक्स हो जाएगा, तो वृत्त का वाई डी एक्स हो जाएगा √4 − x².dx। और इसके इंट्रीगेशन तो आपको मैंने इंट्रीगेशन वाले वीडियो 3 मार्क्स के अंदर मैंने पूर्ण वर्ग विधि के जो कुछ सूत्र बताए थे उसमें उनसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ बिल्कुल देखिए कॉन्स्टेंट पार्ट आगे है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, तो इस लिमिट को ना भूले, इंट्रीगेशन को आप इजीली सॉल्व कर ले। मैं आगे इंट्रीगेशन इसीलिए सॉल्व नहीं करा रहा, टाइम हमारे पास में कम है, और एक मेन इंपॉर्टेंट बात, डायग्राम अच्छे से समझ आना चाहिए, ये थोड़ा प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालना आना चाहिए, तो आपका ये चीज आपने अच्छे ढंग से लिख ली तो इंट्रीगेशन तो आपका बिल्कुल और बिल्कुल सॉल्व होने वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। x² + y² = 16 एक वृत्त दे रखा है और उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो परवलय y² = 6x के बाहर हो, मतलब बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, ढंग से एक बार ध्यान बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिएगा आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर 0, 0 और दूसरा पॉइंट उसका रेडियस जो है वो 4 है। तो देखिए सबसे पहले हम एक क्या कर रहे हैं, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, और सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया तो सर्कल का जो रेडियस है उस रेडियस मैंने लिख दिया 4, 0, दूसरा आ गया 0, 4, वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस। सर्कल हमने ड्रॉ करने के बाद में इसका सेंटर भी लिख लीजिएगा, तो इसका जो सेंटर है वो आ रहा है आपका 0, 0, तो यहाँ से आ गया 0, 0, तो सेंटर भी आ गया और दूसरा पॉइंट हमने रेडियस भी दर्शा दिया। परवलय y² = 6x, परवलय y² = 6x का मतलब है y^2 इवन पावर सममित होगा एक्स अक्ष के प्रति, तो एक्स अक्ष के प्रति सममित मतलब यहाँ से एक्स अक्ष के प्रति सममित हमने एक परवलय बना दिया। अब आपको क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा, आपको ये एरिया नहीं पूछा है क्वेश्चन में, ये एरिया कई स्टूडेंट यही फाइंड कर देते हैं, ये फाइंड नहीं करना, आपको पूछा इस परवलय के जो बाहर का एरिया वो फाइंड करना है, कहने का मतलब आपको ये एरिया फाइंड करने को कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिएगा ये एरिया फाइंड करना है तो ऐसे तो ये एरिया फाइंड होगा नहीं, आप जो अभी तक कंसेप्ट लगाते थे उस वे में तो आपका एरिया फाइंड होना नहीं है, तो आप जो नॉर्मल कंसेप्ट है उसी को यूज करते हुए कुछ ऐसा कंसेप्ट लगाना जिससे आपका ये एरिया फाइंड हो जाए। तो देखिएगा सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूं तो इस पूरा एरिया क्या होगा, अगर सपोज मैं लिखूं कि संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण वृत्त जो है पूरे सर्कल का एरिया जो होता है वो आप जानते हैं फॉर्मूले की हेल्प से π r² होता है, और पाई रेडियस आपकी 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया कितना, हो गया 16π। तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने वृत्त का क्षेत्रफल पूरा निकाल लिया, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर सर ये वाला आंख वाला जो पार्ट है वो आप माइनस कर दोगे, मतलब इस पार्ट को अगर ऐसा कैसा निकाल दोगे तो ये पार्ट आपको छायांकित किया हुआ मिल जाएगा, और वही जो है वो परवलय के बाहर जो स्थित भाग है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, सबसे पहले आपको वृत्त का
एरिया लिखना था, पाई आर स्क्वायर की हेल्प से बिल्कुल लिख दिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाले एरिया को फाइंड करना है, और ऐसे एरिया तो हमने बहुत अच्छे तरीके से फाइंड किया, कैसे करना है देखिएगा। तो उसके लिए आपको ये प्रतिच्छेद बिंदु की आवश्यकता सर जरूर पड़ेगी। तो प्रतिच्छेद बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम जरूर फाइंड करेंगे। लेकिन सर ये दो एरिया फाइंड करने की जरूरत नहीं, मैंने समाकलन के अनुप्रयोग का जो पहला वीडियो उसमें आपको क्लियर किया कि सर अगर आपका सममित क्षेत्रफल है तो अगर एक पार्ट अगर फाइंड कर दोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये एरिया नीचे वाला भी आ जाएगा। तो यहां पे आप सिर्फ ऊपर वाला एरिया फाइंड करेंगे, और ये एक ऐसी लाइन है जो इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो सर कोई बात नहीं, पट्टी भी हम कितनी कंसीडर करेंगे, 2। यहां पर भी हमने एक पट्टी कंसीडर कर दी वर्टिकल, जो भी वो आपका dx पट्टी है, क्लियर वर्टिकल पट्टी। तो यहां से देखिएगा हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है सर प्रतिच्छेद बिंदु। डायग्राम बनाने के बाद ही जहां पर आपके दो वक्र कटते हैं वो पॉइंट्स तो आप बिल्कुल निकाले, डायग्राम की सजावट भी हो जाएगी तो साथ साथ उसका एरिया भी निकल जाएगा। तो देखिएगा यहां पर प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 और y स्क्वायर बराबर 6x। y स्क्वायर की जगह वैल्यू रखो तो y स्क्वायर की जगह वैल्यू रखा 6x बराबर 16। तो यहां से हो गया x स्क्वायर प्लस 16, प्लस का 16 इधर आया तो माइनस का 16, इसके फैक्टर हो जाएंगे आपका बिल्कुल x स्क्वायर 8 और 2, तो 8x माइनस 2x माइनस का 16 इक्वल टू 0। यहां से आपका कॉमन आ रहा है 8x प्लस 8, यहां से माइनस 2 मतलब x प्लस 8 इक्वल टू 0। x की वैल्यू सर आ रही है हमारे पास में, एक तो वैल्यू आ रही है 2, एक x की वैल्यू आ रही है -8। -8 तो लेना ही नहीं है, आप इधर वाला एरिया फाइंड कर रहे हैं तो आपका x इक्वल टू कौन सा पॉइंट होगा, 2 वाला। तो यहाँ x का सिर्फ और सिर्फ यही मान कंसीडर किया जाएगा, तो x की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो वो किसका मान मिल जाएगा, y का। क्लियर हो गई बात। तो यहां से आपको कुछ नहीं करना, y की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, और 12 का रूट निकाल लोगे तो y की वैल्यू आ गई रूट 12, प्लस माइनस 12 होगी तो हम बिल्कुल लिख लेंगे। तो यहां से देखो x इक्वल टू 2 पे रूट 12, x इक्वल टू 2 पे माइनस रूट 12, ये पॉइंट आ गया 2,0। x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, तो जैसे ही हमने पॉइंट दर्शाया तो पॉइंट लिख भी लो ना, यहाँ पे पॉइंट का नाम भी दे देते हैं हम, ये सपोज O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, और इसको नाम दे देते हैं P। तो यहां से हम लिख लेते हैं प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास में आ गए 2,√12, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हमको देखिए एरिया फाइंड करना है, कितना एरिया बन गई, दो एरिया, तो दो एरिया मतलब दोनों एरिया को कैसे लिखना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा सर, माइनस नहीं लगाना, माइनस तो तब लगाते हैं जब हटाना होता है। तो अभी तो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, हटाएंगे इसको बाद में, अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात के लिए आपको ये एरिया फाइंड करना है। तो बताओ कहां से कहां तक, तो यहां से सबसे पहले किसका वाई डी एक्स लिखेंगे, तो वाई डी एक्स लिखेंगे सर ये पट्टी टच कर रही है परवलय को, तो लिखेंगे सर परवलय का y dx प्लस नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा बताइए, तो दूसरा जो टच कर रही है पट्टी हो सर्कल को टच कर रही है, तो लिखेंगे हम सर वृत्त का y dx, क्लियर हो गई बात। और इन दोनों एरिया को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका ये एरिया आपको मिल जाएगा। ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये एरिया जो वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो देखिए लिमिट्स से भी डिवाइड करते हैं, परवलय का वाई डी एक्स, परवलय जो है वो 0 से चल के 2 तक ही जा रहा है, तो 0 से लेकर 2, और नेक्स्ट वृत्त जो है वो 2 से लेकर कहां तक आ रहा है, x की वैल्यू देखो लास्ट 2 से लेकर 4, तो 2 से लेकर 4। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात सर, जो एरिया आपने ये फाइंड किया है, सपोज इसको नाम दे देते हम A1 एरिया, और ये A1 एरिया जो हमने फाइंड किया है वो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट किया है, और ये भाग सममित है, तो सममित है तो जो एरिया ये होगा वही तो ये एरिया होने वाला है। तो यहां से हम इस एरिया के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपको कहा है परवलय के बाहर जो एरिया उसको फाइंड करना है। तो देखिएगा यहां लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था, तो अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा, इस एरिया को नाम अपन दे देते हैं A1, और इसको A1 से दे देते हैं A2। तो देखिएगा अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया A इक्वल टू A1 माइनस A2। कहने का मतलब सर पूरे सर्कल के एरिया में से A1 में से हम सर माइनस कर रहे हैं किसको, A2, जो हमने कौन सा पार्ट फाइंड किया, ये जो आंख फाइंड की है। तो एक गोले एक सर्कल में से मैं आंख को बाहर निकाल दूंगा तो ये जो परवलय के बाहर वाला जो क्षेत्रफल है वो आपको दिखाई देगा। तो देखिए जैसे ही आप
एरिया आपको फाइंड करना है, तो A1 एरिया में से A1 है आपका 16 pi, A2 आप जब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लोगे तो देखो परवलय का ydx तो इजीली मिल जाएगा सर √6x, और वृत्त का ydx इजीली मिल जाएगा √16 - x2। यहां से मैं लिख भी लेता हूं कि इसका वैल्यू मिल जाएगा √6x y की वैल्यू, और वृत्त का ydx मिल जाएगा √16 - x2। जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे लिमिट रख के, जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को यहां रखें तो वह आपका एरिया रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट इसमें आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम एक और आपका समाकलन के अनुप्रयोग से ही। परवलय वाई बराबर एक्स स्क्वायर y बराबर मॉड x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही अटैक करना है, मतलब डायग्राम बनाना है। तो देखिए सबसे पहले परवलय बनाना है x का पावर 2, x इवन पावर, मतलब कौन से x के प्रति सम्मित, y अक्ष के प्रति सम्मित है। परवलय आपने बना दिया y अक्ष के प्रति सम्मित। नेक्स्ट देखिएगा y बराबर आपका मॉड x आ रहा है, तो y बराबर मॉड x का मतलब यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास पे कौन सा पॉइंट है, 0, 0, और यहां से होने वाला है y बराबर मॉड x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो मॉड x निकालना है तो देखिएगा मॉड x का आपको ग्राफ बनाना चाहिए, और अगर मॉड x का ग्राफ आपने ढंग से समझ लिया तो बिल्कुल, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मॉड x को ड्रॉ करना आपको अच्छे ढंग से बताया। देखिए y बराबर मॉड x होता क्या है, तो y बराबर मॉड x को मैं दो तरीके से अपन ओपन करते हैं, बता देता हूं आपको। प्लस का x, माइनस का x, प्लस का x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, माइनस x, x लेस देन 0 पे। तो y बराबर x मतलब ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके का, y बराबर माइनस x ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके का। क्लियर हो गई बात, ये थोड़ा डायग्राम मैंने ढंग से नहीं बनाया, तो इस चीज का आप क्लियर करें कि आप डायग्राम थोड़ा अच्छा ढंग से बनाएंगे पेंसिल की हेल्प से। पेंसिल अगर आप यूज करेंगे तो बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपने एक मॉड एक्स का ग्राफ आपको देखने को मिला, और मॉड एक्स के ग्राफ के अंदर आपको एक परवलय आपने बनाया, और परवलय के साथ में मॉड एक्स का ग्राफ आपने खींचा, दो लाइंस आपको मिली। दोनों लाइन को हम नाम दे देते हैं, सर ये लाइन वाई इक्वल टू एक्स की है, तो सर ये वाली लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स की, और सर ये लाइन, ये परवलय जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का है। क्लियर हो गई बात। अब देखिएगा यहां से सर जैसे ही डायग्राम बन गया, प्रतिच्छेद बिंदु आ गए फर्स्ट, ये आपका सेकंड। तो देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रतिच्छेद बिंदु हम फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू रखो ना यहाँ पे, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसल, मतलब एक तो 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, तो x की वैल्यू 0 तो हो ही गई, और एक अगर ये x की वैल्यू 1, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 यहाँ पर, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1, तो 1, 1। नेक्स्ट x की वैल्यू यहां पर अपन ने 1 रखी, तो यहां पर y की वैल्यू इस पॉइंट से कितनी आ गई, -1। तो ये देखिए ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है -1 पे 1 को शो कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब आपको एरिया कौन सा फाइंड करें, तो मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल तो भाई यही है, एक तो आपका एरिया आ गया ये वाला, और एक एरिया आपका आ गया ये वाला। और देखिए यहाँ जैसा एरिया बन रहा है वहां पे भी ऐसे ही एरिया बनेगा, ये आपको थोड़ा सा दिखाई ढंग से नहीं दे रहा, लेकिन जो एरिया यहाँ पर है ना वही एरिया आपका यहाँ पर भी आपका दिखाई देने वाला है। तो देखिए आप एक काम कीजिएगा सर कि एक एरिया फाइंड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल आपका ये भी एरिया आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो धनात्मक साइड वाला पार्ट है उसी को ले रहे हैं, और उसी को सॉल्व करके 2 से गुणा करा देंगे तो पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो लाइन मिली है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, निर्देशांक हो जाएंगे 1, 0। तो यहां से देखिएगा हम लिख रहे हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पर अपन ने प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिए हैं, आपको अच्छे ढंग से सॉल्व करके निकालने हैं, 1, 1 आ गया। मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिएगा यहां पर वही आंख का खेल, और आंख का खेल तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक बड़ी पट्टी, और बड़ी पट्टी देखिए किसको टच कर रही है, पहला पार्ट टच कर रही है रेखा को, दूसरा तो आपका एक्सिस पे है ही। तो देखिए हम लिखेंगे क्या सर, रेखा का वाई डी एक्स। अब इस पट्टी को हटाना है, बड़ी पट्टी नहीं चाहिए, देखो बड़ी पट्टी होगी तो ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ना, मतलब इसके साथ ये भी एरिया कंबाइन हो रहा है सर, ये एरिया तो चाहिए ही नहीं, तो कुछ नहीं करना, इस पट्टी को आपको हटाना है। तो हटाने वाली जो पट्टी थी वो टच कर रही थी उसका ऊपरी पार्ट इस वाले वक्र को, और ये वक्र आपका है परवलय, तो आप माइनस कर रहे, हटाने को कहते हैं माइनस, और ये इस परवलय को टच कर रही थी पट्टी ऊपर वाला पार्ट, तो यहां लिखेंगे हम
परवलय का y dx। तो देखिएगा आप क्वेश्चन में आपको कभी भी रटना नहीं है कि सर रेखा में से परवलय माइनस करें या परवलय में से रेखा माइनस करें। बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर कर दिया, एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर सर बड़ी पट्टी लेंगे तो यह आपका टोटल एरिया आएगा, लेकिन हमको तो सिर्फ आंख चाहिए, तो आंख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो बड़ी पट्टी है आपका रेखा, क्योंकि रेखा उस बड़े एरिया को कवर कर रही है, तो लिखा रेखा का y dx। अब देखिएगा इस बड़ी पट्टी में से छोटी पट्टी को देखो, मैंने अब साफ कर दिया, माइनस कर दिया और माइनस कर दिया, तो यहां पर हमने माइनस साइन लगाया और ये जो पट्टी थी वो पट्टी परवलय से बाउंडेड थी, मतलब परवलय का वाई डी एक्स आपने माइनस किया। तो जैसे ही इस रेखा के एरिया में से परवलय का एरिया को माइनस कर दिया, तो आपका एरिया कौन सा आएगा, रिक्वायर्ड। तो देखिए मैंने यहां पर माइनस कर दिया, अब रेखा का वाई डी एक्स कहां से कहां तक है वो देखेंगे। तो रेखा जो है वो जीरो से वन तक है, तो बिल्कुल यहां पर लिखेंगे हम सर जीरो से वन, और नेक्स्ट है आपका परवलय का वाई डी एक्स, तो परवलय भी आपका जीरो से वन। देखिए माइनस वाले कंसेप्ट में हमेशा दोनों पार्ट्स में लिमिट सेम ही रहती है, क्योंकि वो एक साथ ही चलते हैं, लेकिन जब प्लस बीच में आता है तब वो एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उस केस में ये लिमिट्स भी है डिवाइड हो जाती है। अब देखिएगा ये जो पार्ट है वो तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट था वही पार्ट ही है, इसीलिए इस पूरे एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, दो से। तो दो जीरो से वन रेखा का वाई डी एक्स, तो रेखा मतलब एक्स डी एक्स, तो यहां पे सिर्फ हम यही लेंगे, क्योंकि सर हम पॉजिटिव पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, नेगेटिव पार्ट तो टू से मल्टीप्लाई करके आ ही जाएगा। तो देखिएगा यहां लिखेंगे y की जगह x डॉट डी एक्स, हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं इसीलिए ये x लिया है, माइनस परवलय का वाई डी एक्स, तो परवलय का है एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा एक इंटीग्रेशन है, लिमिट पुट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वही इसका आंसर होने वाला है। तो अगर आपको परवलय ड्रॉ करना आता है, मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, तो ये जो क्वेश्चन था वो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन, सिर्फ इंटीग्रेशन करके आपको सॉल्व करना है, आंसर निकल जाएगा, नोट कीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल, दो सर्कल का क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा दो सर्कल के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ये आपका ग्राफ हम शो कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं दो सर्कल को। तो सबसे पहला आपका सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन, सेंटर जीरो जीरो, रेडियस आपका वन। तो देखो बिल्कुल बनाओ यहां से, सेंटर आपका जीरो जीरो, रेडियस आपका वन, तो आपको बिल्कुल नजर आ रहा है सेंटर सर जीरो जीरो, रेडियस आपका वन कॉमा जीरो, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको का एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 1.0 है और रेडियस 1 होना चाहिए। तो देखिएगा ऐसा सर्कल है आपका जिसका सेंटर देखो 1.0 होना चाहिए, मतलब इसको सेंटर मानते हुए एक रेडियस का, मतलब 1 रेडियस का आपको सर्कल खींचना है। तो ये रेडियस 1 हुई और एक और सर्कल आपका आ गया बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो एक सर्कल और हमको बनाना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको एक सर्कल और बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर हो गई बात। और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी सर, ये 1.0 है तो ये हो जाएगा आपका 2.0, रेडियस 2 नहीं हुई, रेडियस तो अभी भी 1 है, 2 माइनस 1, रेडियस 1, इसकी भी रेडियस 1, मतलब रेडियस तो हर कंसेप्ट में 1 ही है, ठीक है। डायग्राम को आप ऐसा ना सोचिए एक बड़ा एक छोटा है, वो बड़ा छोटा बन जाता है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा कि आपको किस तरीके से दो सर्कल ड्रॉ करने हैं। पहला सर्कल जिसका रेडियस 1 है, सेंटर 0.0 है, दूसरा सर्कल जिसका आपका सेंटर जो है वो 1.0 है लेकिन रेडियस जो है वो भी आपका 1 है। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिएगा आपको फाइंड करना है ये बीच का आंख वाला एरिया फाइंड करना है। आंख फाइंड करने के लिए आपको इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता हुआ एक रेखा, क्योंकि यहां पर आपके दोनों वक्र एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम बनते ही डायग्राम की सजावट के लिए हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, तो प्रतिच्छेद बिंदु है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन, इक्वेशन नंबर आपका हो गया 1, और दूसरा है एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों व्रत के नाम दे दिए, एक नंबर का व्रत है ये, दूसरे नंबर का मैं शो भी कर देता हूँ, ये एक नंबर का व्रत है और ये आपका
दूसरे नंबर का सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व जब करेंगे सर, तो यहां से देखिएगा क्या मान आ रहा है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहां से वाई स्क्वायर का मान क्या आएगा, तो वाई स्क्वायर का मान आएगा सर 1 माइनस उस तरफ भेजा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसको इस तरफ लिख दो तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, क्लियर। होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया, माइनस साइन को ना भूले, इक्वल टू आपका हो गया 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, 2x इक्वल टू आ गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी हाफ। इस पॉइंट को आप यहां रख दीजिएगा, ये x की वैल्यू जो है आपका हाफ नजर आ रही है। सेम यहां भी आपको x की वैल्यू हाफ नजर आ रही है। अब y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू क्या होगी, तो इसको नाम भी दे दीजिए ना आप, ये सर a पॉइंट है तो ये सर b पॉइंट है, क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट, जैसे ही हाफ फाइंड किया, हाफ मैंने इसके अंदर रखा x की जगह, तो हाफ का स्क्वायर हो गया 1 बाय 4, 1 में से 1 बाय 4 गया 3 बाय 4, रूट किया तो रूट 3 बाय 2 प्लस माइनस का, तो यहां से y की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने से प्लस माइनस रूट 3 बाय 2 आ रही है। तो पॉइंट्स आ गए, बिंदु आ गए हाफ कॉमा रूट 3 बाय 2, और दूसरा पॉइंट आ गया हाफ कॉमा माइनस रूट 3 बाय 2, तो यहां से लिखेंगे हाफ कॉमा रूट 3 बाय 2, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे हाफ कॉमा माइनस रूट 3 बाय 2, क्लियर हो गई बात। अब देखिएगा, जैसे ये x इक्वल टू हाफ, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं लिखूंगा हाफ कॉमा 0, क्योंकि x एक्सिस पे y सर 0 होता है, तो देखिए ये जो एरिया है वो टू पार्ट्स में सर डिवाइड हो गए, पहली आपकी dx की पट्टी और दूसरी आपकी ये भी dx की पट्टी। अब सर एरिया तो आपको ये पूरा फाइंड करना है, ये बीच का एरिया तो आपको पूरा फाइंड करना है, तो सर कैसे करेंगे, तो देखिएगा इसको फाइंड करने के लिए वही जितना एरिया ऊपर बन रहा है उतना ही एरिया नीचे, तो एक एरिया फाइंड करके किससे गुणा कर देंगे, दो से। तो यहां देखिए मैं लिख रहा हूं, यहां से हम लिखेंगे, हम सबसे पहले ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो पहला कहां से कहां तक, तो देखिएगा ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये लाइन जो है वो पहला एरिया 0 से 1 बाय 2, मतलब किसका वाई डी एक्स लेंगे, तो ये जो लाइन है वो किस सर्कल को टच करिए, दूसरे सर्कल को, देखो ये देखो दूसरे सर्कल को टच करती है नजर आ रही है, तो यहां लिखेंगे वृत्त 2 का वाई डी एक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यहां पर माइनस नहीं साथ में प्लस, क्योंकि एरिया को आपको ऐड करना है। तो देखिए दूसरी पट्टी जो है, दूसरी पट्टी कौन से सर्कल को टच करिए, तो आपको बिल्कुल नजर आ रहा है सर सर्कल नंबर जो फर्स्ट है उसको टच करिए, तो लिखेंगे व्रत 1 का y dx। लिमिट पुट करेंगे तो पहला लिमिट हो गया 0 से हाफ, और दूसरा लिमिट हो गया व्रत का फर्स्ट का y dx, तो हाफ से कहां तक 1 तक, तो लिखेंगे हाफ से 1 तक, क्लियर हो गई बात। अब देखिएगा यहां से इस पूरे एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर 2 से, क्योंकि यहां पर कितना एरिया है, ये एरिया तो है ही साथ में नीचे वाला एरिया भी, तो दोनों सेम है, एक एरिया फाइंड करो दो से गुणा करो पूरा एरिया निकल जाएगा। सर रट 2 का वाई डी एक्स क्या है, तो रट 2 का वाई डी एक्स में लिख सकता हूं रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम आपको उसी फॉर्मूला साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, और सिमिलर व्रत 1 का वाई डी एक्स, तो व्रत 1 का वाई डी एक्स हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के लिमिट पुट करके आप रखोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड जो एरिया है वो आ जाएगा। तो दो सर्कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन नोट कीजिएगा। इस वीडियो को मैं इस क्वेश्चन से समाप्त करने वाला हूं, तो बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। अगर आपको और भी किन्हीं क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज के और किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, बिल्कुल मुझे पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप उस डाउट को आप शेयर कीजिए, मैं उसी से मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी ध्यान दें, बहुत ही हमारे पास में कम टाइम है, अगर आपका कोई डाउट रहता भी है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना डाउट पोस्ट करें, मैं बिल्कुल उसको क्लियर कर दूंगा, क्लियर। तो अब यहां तक मैंने आपको यहां तक क्लियर किया है कि इतने सारे जो क्वेश्चन कराओ, सभी जो क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के हैं, ताकि आपको पूरा अच्छे ढंग से इस चैप्टर का नॉलेज हो सके। अगर इसके अलावा भी कहीं आपको डाउट रहता है तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहां से देखिए समाकलन का उपयोग करना है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसका शीर्ष आपको दे रखे है। तो देखिए त्रिभुज यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको उसके शीर्ष दे रखे है। तो यहाँ करना ही है आपको इस शीर्ष जो है पॉइंट्स जो है उनको प्लॉट करना है, और प्लॉट की सहायता से आपको क्या दिखाई देगा, एक आपको त्रिभुज दिखाई देगा और उसी त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बोर्ड का पहले फेवरेट टॉपिक था, 2020 में भी ये क्वेश्चन अगेन फिर से आ सकता है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले हम पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और ये आपका 5, 1, 2, 3, 4 और एक और पॉइंट लेना पड़ेगा 5, ठीक है। नेक्स्ट यहां से -1, -2, -3, -4 बाकी तो लेने की आवश्यकता ही नहीं है, पॉइंट्स ही नहीं है। तो पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं, -1, 1 तो -1, 1 ये रहा आपका पॉइंट जिसको नाम हम दे देते हैं ए से ही शुरुआत करते हैं, -1, 1 क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट 0 पे हो रहा है 5, तो देखो सर 0 पे आपका हो गया 5, पॉइंट नंबर हो गया बी। नेक्स्ट 3 पे 2, तो ये आपका हो गया 3 पे 2, तो ये आपका हो गया 3 पे 2, सी पॉइंट हो गया 3 पे 2। इन तीनों पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे, जैसे इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास में एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, और सर इसी का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया फाइंड करने के लिए एक्सिस को तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डीएक्स पट्टी एज्यूम का करोगे, तो एक्सिस का पट्टी लेने के लिए हम इस पॉइंट को और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, मतलब सिर्फ नोट किया है, नोटेशन दिया है इस पॉइंट को। तो ये आपका कुछ इस तरीके का डायग्राम नजर आ रहा है। तो देखिएगा अगर इस ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है, आपको ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो करना क्या पड़ेगा, इसमें तीन तीन डायग्राम बन रहे हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली आपका ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो देखिए करेंगे कैसे, सबसे पहले मैं आपको नोट करा देता हूं कुछ पॉइंट्स, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को ओ पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट आप दे दीजिए सपोज सी हो गया, तो यह पॉइंट आ गया डी, और डी का भी को अगर कोई नाम देना तो दे दीजिए, -1, 0 है वैसे। सिमिलर पॉइंट आपके पास में ये पॉइंट हो गए सी, और इस पॉइंट को डी होने के बाद में ई पॉइंट दे देते हैं 3, 0। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है आपको समझना पड़ेगा। तो देखिएगा अगर आपको इसका एरिया लिखना है, तो एरिया लिखने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि सर अगर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो ये जो समलंब चतुर्भुज दिख रहा है ओ डी और ये बी, ये आपको समलंब चतुर्भुज दिख रहा होगा, यहां से आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये जो समलंब चतुर्भुज आपको दिख रहा है ओ डी ए बी, ये आपको यहां से एक चीज मिल रही है कि अगर इस समलंब चतुर्भुज का एरिया अगर आप फाइंड कर लेंगे, सिमिलर पॉइंट में यहां भी एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है ओ ई सी और बी, तो एक और समलंब चतुर्भुज नजर आ रहा है, तो अगर इन दोनों समलंब चतुर्भुज को ऐड कर दोगे तो सर ये तो पूरा एरिया आ जाएगा, लेकिन पूरा नहीं चाहिए। देखो फिर से बता देता हूं, ये आपका ओ डी और इस पॉइंट को और आगे लेते हो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो एक ही पॉइंट है, मैंने सिर्फ इन दोनों पॉइंट को एक सिर्फ आगे नोटेशन में दिया है। तो यहां से देखिएगा ओ डी ए और बी, ये आपके पास पे चार पॉइंट्स दे रखे हैं जिसे एक समलंब चतुर्भुज आपका नजर आ रहा है। कौन कौन सा मैं लिख भी देता हूं सर, पहला आपका है समलंब चतुर्भुज है ओ डी ए और बी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मैं प्लस कर रहा हूं दूसरा समलंब चतुर्भुज ओ ई सी और बी, तो दूसरा समलंब चतुर्भुज आपके पास में समलंब चतुर्भुज है ओ ई सी और बी, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिएगा, अब जैसे इन दोनों समलंब चतुर्भुज को जैसे ही आप ऐड कर देंगे, तो ये तो पूरा एरिया आ गया, सर पूरा एरिया नहीं चाहिए हमको, तो सिर्फ ट्राइंगल चाहिए, तो ट्राइंगल चाहिए तो हमको ये वाला पार्ट उसमें से निकालना पड़ेगा ताकि सिर्फ ट्राइंगल बचा हुआ रहेगा। तो ये पार्ट निकालने के लिए आपको हटाने के लिए मैथ्स कहता है कि माइनस करो, और कौन सा समलंब चतुर्भुज माइनस होगा डी ए सी ई, तो यहां से हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज डी ए सी ई को माइनस करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहां से देखिएगा आपको दो समलंब चतुर्भुज तो ऐड करने पड़ेंगे जिससे ये पूरा एरिया आएगा, और उसी में से इस समलंब चतुर्भुज को हटा दोगे तो सिर्फ और सिर्फ किसका एरिया, यहां से मैं लिख देता हूं ट्राइंगल
ए बी सी का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अब देखिए समलंब चतुर्भुज ओडीएबी में लाइन कौन सी है, क्योंकि देखो आपको यहां पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वही पट्टी लेनी पड़ेगी डीएक्स, और ये एरिया फाइंड करना है तो इस ये पट्टी हमने कंसीडर कर दी, और ये पट्टी जो है वो डायरेक्टली टच हो रही है इस रेखा से, तो यहां पर हमको लेनी पड़ेगी रेखा एबी। नेक्स्ट ओईसीबी में तो ओईसीबी में भी हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी एक पट्टी, और पट्टी सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो वो जो रेखा आ रही है वो आएगी आपकी रेखा बीसी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिए डीएसीई, जब ये आपको इन पट्टियों को हटाना है तभी तो ये रिक्वायर्ड एरिया है, तो जैसे ही पट्टी को हटाया तो ये जो छोटी पट्टी थी वो इस रेखा से टच हो रही थी, मतलब आपको ज्ञात करनी यहाँ पर रेखा एसी। तो देखिएगा यहां पर आपको क्वेश्चन में किसी भी तरीके का वाई नहीं दिया, अरे भाई पट्टी सेलेक्ट करोगे तो वाई डीएक्स लिखना पड़ेगा, वाई अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन में एरिया कैसे फाइंड करोगे, अगर एबी का वाई फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, बीसी भी नहीं है, एसी भी नहीं है, तो एरिया सर कैसे आएगा। तो यहां से हमको एक चीज को ध्यान देना है, इस चीज को आपको ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जैसे ही हम एबी का एरिया बीसी का एरिया और एसी इन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए इनका सर इक्वेशन चाहिए, तो सर इक्वेशन फाइंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं यहां छोटा सा कंसेप्ट आपको डिस्कस कर लेता हूं। जब भी दो पॉइंट आए x1, y1, x2, y2 तो यहां से हम रेखा का समीकरण लिखते हैं y-y1 = m, m जो है दो पॉइंट्स का निकलता कैसे है y2-y1 / x2-x1, x-x1। तो सबसे पहले हम रेखा AB की बात कर लेते हैं, रेखा AB का समीकरण, तो रेखा AB का समीकरण सर हो जाएगा y माइनस, तो रेखा AB के पॉइंट्स लिख लेते हैं -1, 1 a पॉइंट और b पॉइंट है 0, 5, तो ये हो गया सपोज x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2, तो कितना हो गया सर y2 - y1 तो 5 - 1 x2 - x1 0 - हो गया, प्लस 11th का कैलकुलेशन है ज्यादा टफ नहीं है, x माइनस हो गया प्लस, तो यहां से हो गया y-1, ये हो गया 4, ये हो जाएगा x+1, तो इक्वेशन सर हमारे पास में आ गया 4x प्लस का उधर गया तो माइनस का y प्लस का 4 माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 5 = 0, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 4x + 5, ये किसका है भाई AB का y हो गया, क्लियर। सेम फॉर्म में आपको वैसे ही किसका y निकालना है BC का, तो BC के समीकरण के लिए वही पॉइंट्स ले लीजिएगा 0, 5, 3, 2, यहां से समीकरण लगाइए y-y1, y2-y1, x2-x1, x-x1 की जगह रखेंगे 0, देखो कुछ नहीं x1 y1 x2 y2 y1 की वैल्यू आ गई, y2-y1 की वैल्यू आ गई, x2-x1 की वैल्यू आ गई, x-x1 मतलब x-0, तो y-5 = -3/3 x-0, इक्वेशन फाइनली लिख रहा हूं सर y = ये हो जाएगा -1, तो माइनस का एक्स प्लस का 5, ये समीकरण सर आ गया सर BC जो लाइन है उसका इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट देखेंगे AB और BC निकलने के बाद में एक और इक्वेशन रह गई सर CA या AC रेखा, तो AC रेखा के लिए देखो AC के लिए पॉइंट देखो -1, 1 - 1, 3, 2, आगे पीछे रखो कोई दिक्कत नहीं, आखिर रेखा का इक्वेशन तो वही आएगा y-y1 की वैल्यू, तो y1 है 1, y2-y1, 2-1, 3- हो गया +1, x-x1, तो इक्वेशन आ गई y-1 = हो गया 1/1/4 x-1 - हो गया +1। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा y = हो गया 1/4x - 1/4, मल्टीप्लाई करो ना 1/4 को +1, तो y = हो गया 1/4x + 3/4, तो यहां से ये जो इक्वेशन आया वो आया CA रेखा का। अब देखिए एरिया फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना, यहां से मैं लिख रहा हूं एरिया फाइनली, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा किसका dx, तो रेखा AB का y dx प्लस रेखा BC का y dx। नेक्स्ट देखिएगा माइनस
रेखा एसी का वाई डी एक्स। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो सभी के वाई मैंने फाइंड कर दिए हैं, सभी के वाई यहां पर आप पुट कर दीजिए। लिमिट की बात करते हैं सर। सर सबसे पहले आती है ए से बी, तो ए से बी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक सर? माइनस वन से जा रहा है जीरो, तो माइनस वन से जीरो। नेक्स्ट ए बी बताओ, सिर्फ एक्स की बात, क्योंकि पट्टी अपन ने वाई डी एक्स वर्टिकल लिए, जीरो से कहां तक जा रहा है? थ्री तक। सर ये हो गया जीरो से थ्री। नेक्स्ट बताइए एसी रेखा कहां से कहां तक जा रही है? तो हम बिल्कुल बताएंगे सर, माइनस वन से थ्री तक जा रही है, तो माइनस वन से थ्री। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, जब आप इस इंटीग्रेशन को वाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे तो वो इस ट्राइंगल का रिक्वायर्ड एरिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, एक समाकलन का उपयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया, कहीं भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे ढंग से आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।